हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था फ्रिक्शन। और हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में अभी इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड चीज़ें ख़त्म हुई थी, लेकिन उसमें लास्ट में गुड इवनिंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल, प्लीज़ रिप्लाई, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? इज इट क्लियरली विजिबल? इज इट ओके? यस, ओके ओके, गुड। चलिए, तो चलिए तो हम लोग वो ग्राफ खींचे क्या? मैं आप लोगों को कहा था कि यदि म्यू एस म्यू के अलग अलग दिया हो, तो ग्राफ कैसे होगा? खींचे आप लोग, याद होगा आप लोगों को शायद कि मैं ग्राफ दिया था कि यदि क्वेश्चन ये था। अच्छा हाँ, ये है कि जो मैं अब खींचने जा रहा हूँ, इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो लोग जिन लोगों को फ्रिक्शन पूरा अच्छे से बेसिक से नहीं आता है, या फिर ये कहूँगा कि जो लोग मेरा क्लास, मेरा वीडियो लेक्चर जो भी है पहली बार देख रहे हैं, तो उनके लिए तो नहीं है। और जो लोग पढ़े भी होंगे फ्रिक्शन और अच्छे से आता भी होगा, वो भी कम से कम इस लेक्चर के लिए आपको पिछला वाला ज़रूर देखना पड़ेगा, है ना? एक तो ये है कि पिछला वाला ज़रूर देखना पड़ेगा, मतलब आपको ये, जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक इंक्लाइन प्लेन है, ये रहा इंक्लाइन प्लेन, एंगल हुआ ये रहा थीटा, और इस पे रहा ये देखिए ब्लॉक, ठीक है, मास एम है, और इसको उठाया जा रहा है धीरे धीरे, ग्रेजुअली थीटा इंक्रीज किया जा रहा है। और कहा गया है कि म्यू एस ग्रेटर देन म्यू के, और दोनों दिया गया है, तो बताना है कि फ्रिक्शनल फोर्स थीटा का ग्राफ, रिएक्शन फोर्स बाय प्लेन अगेंस्ट थीटा, एक्सेलरेशन, नॉर्मल रिएक्शन, इन सब का ग्राफ एज ए फंक्शन ऑफ थीटा विच इज इंक्रीजिंग फ्रॉम जीरो एंगल टू 90 डिग्री। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पिछले क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए जो डायरेक्ट इस वीडियो को देखेंगे, इस लेक्चर को देखेंगे, उनको तो कुछ नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन को मैं आपको बल्कि फिर से थोड़ा सा आपको पिछले वाले लेक्चर में लेके जाऊँ आपको, तो ये कहूँगा कि ये देखिए मेरे सामने एक ये है तख्ता है, और इस पर रखा हुआ एक ब्लॉक है ना, और जीरो एंगल है हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशन इस प्लेन का। इसको मैं बढ़ाया, थीटा बढ़ता जा रहा है, एक समय ऐसा आया कि चलने लगा तो भी बढ़ता जा रहा है, मान लीजिए ऐसे, है ना, इसके लिए थीटा, इसके लिए ऐसे, हर जगह के लिए बात करें। सो थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो टू 90 डिग्री। और एक और चीज़ देखें, भले ही क्वेश्चन आसान बनाने के लिए या कहीं पे भी किसी भी कारण बस कोई म्यू एस और म्यू के ना देकर केवल म्यू दे, तो केवल म्यू देने का मतलब होता है, म्यू एस और म्यू के बराबर है, जो कि रियली में कहीं नहीं होता है। तो ज़्यादा रियल जो प्रैक्टिकल है वो म्यू एस और म्यू के अलग अलग है, जिसमें से म्यू एस ग्रेटर देन म्यू के है। इसका साफ दिख रहा होगा कि
चलेगा तो अचानक ही चलेगा, नहीं तो रेस्ट में रहेगा। म्यूएस रोका हुआ है, म्यूएस रोका हुआ है, म्यूएस रोका हुआ है, म्यूएस रोका हुआ है, अचानक जब चलेगा ना ये तो अच्छे खासे एक्सेलरेशन चलेगा। ये देखिए, या तो चल ही नहीं रहा था या तो चला तो बहुत एक अच्छे एक्सेलरेशन चला। इस कारण से ऐसा हुआ क्योंकि जब चलने लगा था तो अचानक म्यू के फ्रिक्शनल कोफिशियंट कम हो गया था मोशन के दौरान और अच्छे खासे एक्सेलरेशन से चला था। तो पिछला वाला जो लेक्चर था उसमें म्यू केवल दिया गया था, इसका मतलब म्यू एस म्यू के बराबर था। अब क्या होगा? तो कई लोग अपने तरीके से जवाब दे रहे हैं, तो मैं बता दूं कि अभी भी मैं फोर्स की बात करूं तो उसी तरह सारा चीज वैसे ही होगा जैसे पढ़े थे नॉर्मल। और ये क्योंकि सरकना चाहता है तो इधर फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन। अब मैं फटाफट में चाहता हूं कि वैल्यूज पिछला वाला आप लोग देखिए और मैं एक्सप्रेशन लिख लिख कर उन चीज़ों को एनालिसिस करके फटाक से इसको ख़त्म करता हूँ, आप समझ भी जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग आज टू ब्लॉक के से पहले वाली बातें जितनी भी हो सकती है सब ख़त्म कर लिया जाए ताकि अगले क्लास में टू ब्लॉक केस पढ़ लें, दो क्लास पढ़ लेंगे, फ्रिक्शन ख़त्म हो जाएगा, है ना। और यदि आप लोगों का मन करेगा कहेंगे तो दो क्लास और मज़ेदार ढंग के क्वेश्चन कर लेंगे जिससे दुनिया का कोई भी क्वेश्चन प्लानिंग के लिए बच नहीं पाएगा मेरे अनुसार, है ना। तो जल्दी जल्दी पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता, मैं अक्सर बताया भी हूँ कि आप ऐसा पढ़िए कि एक चैप्टर से आपकी आपकी ब्रेन को ऐसी ट्रेनिंग मिल जाए कि सब कुछ बाकी आप अपने से पढ़ पाएँ। इंडियन एजुकेशन में यही होता है कि कोर्स जल्दी से ख़त्म हो जाए, ज़्यादातर कोचिंग में ज़्यादातर टीचर्स यही करते हैं, कोर्स की ज़्यादा बात करते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ब्रेन की ट्रेनिंग की बात करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं, ये देखिए पहला नॉर्मल रिएक्शन और थीटा, देखिए तो ज़रा, हाँ ये रहा नॉर्मल रिएक्शन और थीटा। क्या इसमें कोई आप लोगों को संदेह? इसका म्यूएस म्यूके से मतलब नहीं होता, ग्रेजुअली धीरे धीरे एंगल बढ़ाना है, एंगल देखिए धीरे धीरे बढ़ाना है, धीरे 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 बढ़ाना है। अच्छा धीरे धीरे और तेज बढ़ाने में अंतर क्या है? तेज बढ़ाने में नॉर्मल वैरी कर जाएगा, नहीं नॉर्मल क्योंकि नॉर्मल एक्सेलरेट कराने लगेगा ना। तो चलिए उसकी ज़्यादा बात नहीं करते हैं, कर्व मोशन होने जा रहा है कर्व, तो ये अगला चैप्टर है जिसमें सर्कुलर मोशन में आएगा, तो ग्रेजुअल का ही देखते हैं, है ना। हालांकि कर्व का भी अपना ग्राफ और ये सब होगा जल्दी से उठाने वाला, लेकिन उसको मैं बियॉन्ड कोर्स लाइक बात कहूँगा मैं, ओके। तो एम जी इसका मतलब साफ है, इसके लिए कोई भी थीटा का कंडीशन नहीं है और इसका ग्राफ है सीधा सा, इसका ग्राफ वही वाला ग्राफ है जो पिछले वाले म्यू के लिए था, नॉट म्यू एस म्यू के, और 90 डिग्री के तक के लिए था, थीटा था, और ग्राफ है इसका कॉस वाला, और ग्राफ ये है, बस ये ग्राफ है। तो इसका मतलब जो पिछला वाला ग्राफ था एज इट इज वही ग्राफ अभी है। और कॉस कैसा होता है? देखो कॉस है, कॉस थीटा ऐसा होता है, कॉस थीटा ऐसे चलता है, साइन थीटा ऐसे चलता है, माइनस कॉस थीटा ऐसे चलता है और माइनस साइन थीटा ऐसे चलता है। कॉस ओरिजिन से नहीं होता, ऊपर नीचे से होता है, प्लस कॉस यहां से होता है, माइनस कॉस यहां से होता है, और साइन ओरिजिन से ही होता है, प्लस साइन ऊपर से होता है और माइनस साइन नीचे से, और लहराते हुए तो सब चलते हैं, लहराते हुए ऐसे ऐसे सांप सीढ़ी की तरह, सांप की तरह तो सब चलते हैं। सो आप वैल्यू करके देख भी सकते हैं कि यहाँ पे एम जी है और थीटा जब 90 रखेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये तो ग्राफ वही रह गया, है ना। अगला देखते हैं, हाँ 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 आगे है,
सेंट्रिपेटल और सेंट्रीफ्यूगल में सर्कुलर मोशन में आएगा, जो जब हम लिखो इसको तेजी से इस प्लेट को ऐसे प्लेन को ऐसे करेंगे। तो हमें लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं फ्रिक्शनल फोर्स देखना चाहता हूँ। फ्रिक्शनल फोर्स देखते हैं, है ना, एक एक ग्राफ खींचते हैं और फ्रिक्शनल फोर्स देखते हैं। एनीवे, सो फ्रिक्शनल फोर्स अब हमारे लिए थीटा का डिवीजन होने लगा। ये रहा थीटा, जीरो से लेकर टैन इनवर्स म्यू एस, क्योंकि क्रिटिकल एंगल म्यू एस डिफाइन करेगा। देखो, क्रिटिकल एंगल म्यू के डिफाइन नहीं करता, कौन करता है, म्यू एस रो का रहता है इसको। तो ये कौन सा क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल की बात मैं अक्सर करता रहता हूं, और क्रिटिकल एंगल ही नहीं, किसी भी क्रिटिकल वैल्यू की बात होती है साइंस में। क्रिटिकल वैल्यू ऑफ एनीथिंग, क्रिटिकल वैल्यू एंगल, क्रिटिकल वैल्यू फील्ड, ब्रेकडाउन वोल्टेज, क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन वाला, है ना। सो क्रिटिकल रियल लाइफ में भी होता है ना कि दादाजी क्रिटिकल स्टेज में हैं, और जब भी क्रिटिकल की बात होती है तो पूरा फिनोमेना ही बदलता है। रिफ्रैक्शन से रिफ्लेक्शन हो जाता है, रिफ्लेक्शन से रिफ्रैक्शन हो जाता है, इस रेस्ट से मोशन हो जाता है, इस फिनोमेना से उस फिनोमेना हो जाता है, ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। फिनोमेना का एक से दूसरी चीज़ में ट्रांजिशन होता है किसी चीज़ का। ओके, सो ये क्रिटिकल होता है, आर पार हो जाता है, एक चीज से दूसरी चीज हो जाती है। तो कहते ना कि दादाजी क्रिटिकल स्टेज में है, मतलब ऐसी बाउंड्री पे हैं कि इधर है तो जीवन है और उधर है तो मौत है, मतलब ऑसिलेटरी मोशन टाइप का, कि इस मोमेंट पे है, जिस मोमेंट पे यदि इधर उधर यदि ऑसिलेशन का कोई भी केस हुआ, इधर है तो ठीक है, उधर है तो कुछ और है, है ना। सो इसी तरह से साइंस को देखा जाना चाहिए, और साइंस में क्रिटिकल चीज़ों का बहुत महत्व है। यदि आप क्रिटिकल चीज़ों को क्रिटिकली नहीं देखते, क्रिटिकल चीज़ों को क्रिटिकल वैल्यू को क्रिटिकली नहीं देखते, तो आप साइंस के लिए नहीं बने हैं, तो आप साइंस के लिए नहीं बने हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, सो एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, tan inverse म्यू एस लेस इक्वल टू 90। मैं अभी डिवाइड किया हूं क्योंकि मेरे लिए वो जो tan, ये tan inverse जो जहां से सरकने लगा था, ये जीरो से लेकर उससे ज्यादा, इससे कम और इससे ज्यादा, ऐसे ही हमें डिविजन्स करनी चाहिए हर चीजों का, साइंस को ऐसे ही देखना चाहिए। ओके, तुम ये भी दो डिवीजन है, जरूरत पड़ेगा तो कहीं और चीजों में, कहीं और चैप्टर में, किसी और फिनोमेना, तीन डिवीजन होगा, चार डिवीजन होगा, इनफाइनाइट डिवीजन्स होते हैं। तब हम हर मोमेंट पे अलग अलग टाइप का मान के हम लोग इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैलकुलस लगाते हैं, है ना। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जब चीज़ें इनफाइनाइट डिवाइड करते हैं चीज़ों को, तो इतने छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है कि उस छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ने के नाम पर हम इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट मतलब जोड़ना होता है सिंपली। ओके, सो हमें लग रहा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। इसके लिए यदि मैं कहूँ कि फ्रिक्शनल फोर्स है कितना, तो आपको मैं बता दूँ, जब ये रुका हुआ था जीरो से tan inverse म्यू तक, जीरो से tan inverse म्यू एस तक, फ्रिक्शनल फोर्स mg sin थीटा के बराबर था, चलने नहीं दे रहा था। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू mg sin थीटा थी। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू mg sin थीटा थी, है ना। लेकिन जैसे ही ये कब तक mg sin थीटा थी, देखिए कब तक mg sin थीटा थी, tan इनवर्स म्यू एस तक mg sin थीटा थी, लेकिन जैसे ही उससे ज्यादा किए, यहां तक mg sin थीटा थी,
यहां तक, जैसे इसे ज्यादा किए तो ये सरकने लगा, और सरकने लगा तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स काइनेटिक वाला लगने लगा। इसका मतलब आगे है फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू म्यू के मैक्सिमम वाला एम जी कॉस थीटा लगा। सो फॉर दिस केस टैन इनवर्स म्यू एस से ज्यादा के लिए मैक्सिमम सरकने वाला काइनेटिक फ्रिक्शन, जो मैक्सिमम नहीं बल्कि एक वैल्यू होती है, और कम के लिए टैन इनवर्स म्यू से कम के लिए जितना चलाने वाला फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उतना ही डेवलप होता है। ये कोई नई बात तो कर नहीं रहा हूं, है ना, वेल नोन है, सभी लोग जानते हैं। सो ये वैल्यू है। गुड, एम आई राइट? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ग्राफ खींचते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ग्राफ है क्या। तो ग्राफ ये है, पहले तो आपको पता है ग्राफ कैसे खींचना होता है। ये रहा फ्रिक्शनल फोर्स और ये रहा थीटा। आपको पता है कि पहले तो हमें खींचना होता है कि कितने तक के लिए बनाना है। तो आपको पता है कि 90 डिग्री के लिए अलाउ है, ना इधर से इधर ग्राफ बनेगा ना इधर से उधर ग्राफ बनेगा, इसके बीच में ग्राफ बनेगा। प्लानिंग हर जगह ऐसे करना चाहिए, चाहे वो 11th का चैप्टर हो, 12th का हो, चाहे किसी भी हायर एजुकेशन का हो, जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर जब ग्राफिकली एनालिसिस करनी हो किसी चीज़ की, चाहे ग्राफ खींचना हो, तो आपको इसी नज़रिए से देखना चाहिए जैसे मैं आपको समझाता हूँ और बताता हूँ। अब रही बात ये वाला एक डिवीज़न की, जिस डिवीज़न को मैं कह रहा हूँ कि थीटा की वैल्यू कितनी है, टैन इनवर्स म्यू एस है। इसका मतलब दो हिस्सा, मैं अभी फ़िलहाल इसको खींचना चाहता हूँ, इसको भूलना चाहता हूँ। ये जब खींचा जाएगा तो इसको भूल जाऊंगा, इसको खींचूंगा, और ज़रूरत पड़ती तो और खींचता, फिलहाल तो ज़रूरत नहीं है। ग्राफ खींचने के यही तरीके होते हैं। और फिर से मैं कहूँगा कि जो लोग में ये सीधा स्ट्रेट पहली बार हमें देख रहे होंगे, तो उनके लिए नहीं, पिछला क्लास भी करना होगा और फ्रिक्शन समझने के लिए शुरू से करना होगा, है ना। तो मैं देख पा रहा हूँ कि मैं इस पर फोकस करना चाहता हूँ और इसका ग्राफ खींचना चाहता हूँ। कर्व है, स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, थीटा के साथ साइन थीटा है, और साइन थीटा कॉस थीटा का ग्राफ बता चुका हूँ कैसे लहराते हुए चलता है, ऐसे ऐसे। पर शुरुआत कहाँ से होती है, कॉस की साइन की दोनों बता दिया हूँ, और प्लस और माइनस की भी बता दिया हूँ। प्लस कॉस ऊपर से, माइनस कॉस नीचे से, और साइन दोनों ओरिजिन से, प्लस साइन ऊपर से और माइनस साइन नीचे से ओरिजिन से। ये अब हमें लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो ग्राफ खींचते हैं, और ग्राफ खींचने के नाम पर हम कहेंगे कि ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है। तो अब इसके आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूं, क्योंकि मैं साइन वाला ग्राफ अभी यहां से जाके मोड़ने वाला था ऐसे, लेकिन मैं आगे इसलिए नहीं जा पा रहा हूं, मैक्सिमम 90 पे होता है, मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं क्योंकि हमको अलाउ नहीं है। हमको जहां तक ग्राफ साइन का हो सकता है मैं खींच दिया हूं, जहाँ तक साइन का ग्राफ हो सकता है खींच दिया हूँ। मैं आगे यदि जाना चाहता हूँ तो इस पे नहीं जा सकता, क्योंकि फंक्शन बदल गया है, आगे के लिए फंक्शन बदला हुआ है। अब हमें आगे खींचना पड़ेगा, और आगे काइनेटिक वाला कम हो जाता है, अचानक जितना रहता है उसमें अचानक काइनेटिक वाला कम हो जाता है, अचानक कम हो जाता है ऐसे। और ग्राफ कॉस वाला है तो ऐसे शुरू होना चाहिए था ऐसे, लेकिन इधर खींचना नहीं है, इधर ही रहेगा। क्या आप लोगों को समझ में आया? डिसकॉन्टिन्यूटी है यहां पर, पिछले वाले में यही डिसकॉन्टिन्यूस नहीं था, क्योंकि म्यूएस और म्यू के अलग अलग नहीं था, जबकि प्रैक्टिकल रियल लाइफ में अलग अलग होते हैं। तो जब भी किसी क्वेश्चन में म्यूएस म्यू के अलग अलग हों, दिए गए हों, सिंबल में हो, चाहे वैल्यू हो,
तो वो भी क्वेश्चन होता है। अब केवल म्यू दिया गया है तो आपको मान के चलना चाहिए कि चलेगा नहीं चलेगा, स्टैटिक वाला वही म्यू है, और जब चलने लगेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगने वाला वही म्यू है, मतलब उसी म्यू से काम चलाना होगा, है ना। तो एनीवेज, तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर भी एक चीज मैं देखना चाहता हूं कि क्या हम लोग क्या सही में ये वैल्यू को लिख पा रहे हैं, क्या मैं कह रहा हूं कि क्या हम लोग इस वैल्यू को लिख पा रहे हैं, क्योंकि जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं क्या हम लोग इसको लिख पाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक्सप्रेशन तो है ही, क्या हम लोग इसको लिख पाएंगे। इसका मतलब यदि मैं ये कहूँ इस क्वेश्चन में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से मेरी बात सुनो, कितना कितना बढ़िया क्वेश्चन है, इसको सभी लोग समझें और देखें क्वेश्चन कितना बढ़िया है। ध्यान से मैं ये कह रहा हूँ कि क्या यदि ग्रेजुअली धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाए, है ना, क्वेश्चन है कि एक प्लैंक का जिसपे एक मास ब्लॉक रखा है और ग्रेजुअली उसकी इंक्लिनेशन को 0 to 90 ले जाया गया, तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा उस ब्लॉक पर, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा। यदि ये क्वेश्चन है तो ये आसान नहीं है निकालना, क्योंकि थीटा वैरी कर रहा है, थीटा वैरी कर रहा है, पता नहीं कहाँ मैक्सिमम लगेगा। तो आइडिया तो लग रहा है मैक्सिमम वही लग रहा होगा जब तक ये मैक्सिमम एंगल तक सरका नहीं होगा, सरकने वाला नहीं, अगले मोमेंट पे सरक जाएगा, सरका नहीं होगा। मतलब फोटो में देखो, ग्राफ में यही वाला है, यही बताना है जो हमें लिखना भी है, अभी लिखा भी नहीं हूँ। तो क्या ग्राफ में ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है? है। कैसे निकाला जाए, क्वेश्चन है कि इसको कैसे निकाला जाए, ये वैल्यू कैसे लिखूं। मैं इस वैल्यू को लिखना चाहता हूं, मैं इस वैल्यू को लिखना चाहता हूं, ये पॉइंट है, कैसे लिखा जाए। हमें लग रहा है कि यही वाला पॉइंट है, इसी में रखना होगा, ये एंगल रखना होगा, इसमें जब रखेंगे साइन थीटा, इसमें साइन थीटा रखेंगे तो इस ग्राफ का मैक्सिमम होगा जो आंसर है। और जब इसमें, इस वाले ग्राफ में यही वाला एंगल रखेंगे वैल्यू, तो ये वाला मोशन के टाइम में मोशन करता हुआ मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होगा। और दोनों क्वेश्चन में अपने आप में नायाब है, इसको भी लोग पढ़ाते नहीं हैं, मैं पढ़ाता हूँ, मेरी किताब में भी है। तो चलिए, हमें लगता है कि ये जो tan थीटा है, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस है by 1, ये समझ में आ रहा है, tan थीटा, दिस वैल्यू tan थीटा बराबर म्यू एस by 1। इसका मतलब ये थीटा है, ये म्यू एस है, ये 1 है, और ये अंडर रूट म्यू एस स्क्वायर प्लस 1 है। आपको नहीं लगता कि यहां पर रखा जाएगा साइन थीटा, यहां से साइन थीटा यहां से रखा जाएगा तो ये वैल्यू है। और ये वैल्यू को मैं लिखता हूं, आप लोग सभी लोग देखें, एम जी म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाय अंडर रूट म्यू एस स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब ये पूरे ग्राफ में, ये पूरे मोशन में सबसे ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू जो लगी थी वो है म्यू एस एम जी बाई अंडर रूट म्यू एस स्क्वायर प्लस 1। दिस मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इन दिस फेनोमेना, इन दिस सिचुएशन, इन दिस प्रोसेस। गॉट इट? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या ये भी बताया जा सकता है? आप लोग एक मिनट लीजिए और हमको बताइए कि ये वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू आखिर कौन सी है। कम ऑन, डू इट फास्ट, कम ऑन, डू इट फास्ट, जल्दी से बताइए कि ये वैल्यू कौन सी है। मोशन करते हुए मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? अभी मत कर देना कि सर इतना है, थीटा तो वेरी कर रहा है, कहाँ से फिक्स वैल्यू,
मैक्सिमम मिनिमम तो फिक्स वैल्यू होता है, थीटा के टर्म में थोड़ी बताना है, वैल्यू बताइए, एक मिनट टाइम लीजिए और फटाक से बताइए, कम ऑन, डू इट फास्ट, कम ऑन। साइंस तो यही है, साइंस तो यही है कि ब्रेन को ट्रेनिंग मिले। साइंस ये नहीं है कि किसी तरह से कोर्स पूरा किया जाए, साइंस ये है कि आपके अंदर वो टेम्परामेंट डेवलप हो जाए जिससे आप सारे कोर्स को अपने से पढ़ पाएं। यदि सारा कोर्स हम लोग पढ़ाएं, हालांकि मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि ट्रेनिंग तो हर चैप्टर से दी जाएगी, तो मैं पढ़ाऊंगा, ये चिंता नहीं करना है, लेकिन मन में ये कि जल्दी से कोर्स पूरा हो, जल्दी से कोर्स पूरा हो, उसे साइंस तो नहीं कहते। साइंस तो इसे कहते हैं कि आपको चीज़ें आने लगी कि नहीं, चीज़ें दिख रही हैं कि नहीं, चीज़ें निकाल पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो चलिए मैं निकालता हूँ। अब ये बताओ, ये वही एंगल, कौन सा वाला, यही वाला एंगल यहां रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कम ऑन, सीट हियर, कम ऑन। यही वाला एंगल मतलब यही वाला वैल्यू कॉस थीटा आपको यहां रखना है। कॉस थीटा मतलब 1/this, इसका मतलब ये वैल्यू है यहां पे रखते हैं, और ये वैल्यू है म्यू के एम जी बाई अंडर रूट म्यू एस स्क्वायर प्लस 1। ये समझना है, म्यू के एम जी बाई अंडर रूट म्यू एस स्क्वायर प्लस 1। सो यहां पे म्यू एस देखो नीचे सेम है, एम जी सेम है, यहां पे ऊपर म्यू एस ज्यादा है जो कि ज्यादा है, और यहां पे म्यू के कम है जो कि कम है, पर थीटा नहीं है। ये तो एक फंक्शन था ना, आपको मैक्सिमम वैल्यू बताना था। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट, हमें लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और ये हमारा काम हो गया, हमें यही जानना था, ठीक है, ये भी समझना था। और क्वेश्चन जानते हो उल्टे भी दिए जाते हैं, कैसे, कह दिया जाता है कि थीटा बदल रहा है धीरे धीरे, और हम आपको ग्राफ दे रहे हैं, हम आपको ग्राफ दे रहे हैं, पता चला ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, चाहे ये कुछ वैल्यू दिया हुआ है, ये कुछ वैल्यू दिया हुआ है 0.3 mg, 0.2 mg ऐसे, और पूछा गया है कि बताइए म्यू के, देखो कितने क्वेश्चन खतरनाक बनते हैं। इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन ग्रेजुअली बढ़ाया गया फ्रॉम 0 to 90, और ये कहा गया कि ये 0.3 mg है, ये 0.2 mg है, कुछ और भी बातें अपनी कर दी गई, थोड़ा सोचना पड़ेगा, बनाना होगा, और तब कहा जाएगा कि बताइए बताइए म्यू एस की वैल्यू कितनी है और म्यू के की वैल्यू कितनी है, मतलब कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आपको नहीं लगता है म्यू एस बाई अंडर रूट म्यू एस स्क्वायर प्लस 1 इज 0.3 एंड म्यू के बाई अंडर रूट म्यू एस स्क्वायर प्लस 1 इज 0.2। एम आई राइट? अगेन सीट, सॉल्व करना होगा सही में। यदि इसको 0.3 mg दिया जाए, इसको 0.2 mg दिया जाए, तो क्या करोगे? म्यू एस बाई अंडर रूट म्यू एस स्क्वायर प्लस 1 को 0.3 लिखोगे, और म्यू के बाई अंडर रूट म्यू, सॉरी, पहली बार में देखो मैं ऐसे क्वेश्चन भी बना रहा हूं, सोचो कितनी पॉसिबिलिटी है 0.2 लिखा जाए। आपको नहीं लगता है कि स्क्वायर करके इसको सॉल्व करके म्यू एस निकाल सकते हो? इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, स्क्वायर कर लो और सॉल्व करो तो तुम्हें म्यू एस मिलेगा, और जब म्यू एस यहाँ पे रख लोगे तो तुम्हें म्यू के मिलेगा। इमेजिन करो, मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं क्वेश्चन पूछने के। अब बताओ ये जो तरीका है पूछने का, ये तो मैं देख रहा हूँ ना,
कभी भी क्वेश्चन पूछने का यही तरीका है, और वो क्वेश्चन हमेशा कठिन होते हैं कि जब चीज़ें शुरू में दी गई होती हैं और ग्राफ खींचना होता है तो आसान होता है, और जब बाद वाली चीज़ों को दे दी जाती हैं और शुरू वाली चीज़ों को पूछ ली जाती हैं तो क्वेश्चन कठिन होता है, और कहने के लिए कठिन होता है, आपको कठिन लगता है। अब मैं तो समझ गया हूँ कि सच्चाई ये है कि चीज़ें अपने से अज्यूम करके और सब कुछ वही लिखना होता है, और हमें कंपैरिजन और इवैल्यूएट करने के लिए इक्वेट करना होता है, इक्वेशन लिखना होता है, रिलेशन लिखना होता है और काम करना होता है। मैं ये आपको बताना चाह रहा था। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब यही हुआ कि कितने कठिन से कठिन क्वेश्चन को, जिसको तुम सोचते होगे कि पता नहीं अब कैसे होगा, वो वैसे ही होगा जैसे जिस तरह के क्वेश्चन तुम कर चुके हो, पर तभी तुम कर नहीं पा रहे हो क्योंकि उन चीज़ों को रिलेट नहीं कर पा रहे हो। ये साइंस होता है, ये मैं बताना चाहता हूँ। एनीवे, अब सोचो दोनों सेम है, दोनों सेम कहाँ यार, यहाँ पे नीचे ऊपर mg सेम है, यहाँ पे म्यू एस है, यहाँ पे म्यू के है, यहाँ पे म्यू एस है, यहाँ पे म्यू के, सेम कहाँ है यार। तो हमें लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे चीज़ें, है ना। चलिए रेशियो भी, रेशियो कितना इंटरेस्टिंग है, नहीं म्यू एस बाई म्यू के रेशियो इज 3/2, इंटरेस्टिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें लग रहा है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी बहुत तेज़ी से। चलिए अब हमारे पास रिएक्शन फोर्स की बात करनी है, अब हम लोग रिएक्शन फोर्स की बात करेंगे और ग्राफ की बात करेंगे। रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स ये है, और तब ग्राफ भी खींचेंगे। पहले मैं कहिए तो ग्राफ का पूरा प्लानिंग कर लेता हूँ, फिर खींचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए, ये लीजिए रिएक्शन फोर्स, मतलब नेट फोर्स अप्लाइड बाई प्लेन ऑन ब्लॉक। ये रहा 90 डिग्री, जीरो से बढ़ बढ़ के, याद करिए। ये रहा क्रिटिकल वैल्यू, याद करिए क्रिटिकल वैल्यू इज टैन इनवर्स म्यू एस, टैन इनवर्स म्यू एस। हाँ बताइए, याद करो, जब तक ये चल नहीं रहा था तब तक प्लेन के द्वारा, कितना इंटरेस्टिंग है, जब तक चल नहीं रहा था, अभी भी नहीं चल रहा है, 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 जब तक नहीं चल रहा था तो प्लेन के द्वारा इस ब्लॉक पर एमजी अपवर्ड लगता रहा। पिछले क्लास में हो चुका ये, एमजी अपवर्ड लगता रहा हमेशा, अभी भी एमजी अपवर्ड, और अभी नॉर्मल इधर है, नॉर्मल इधर है, फ्रिक्शन इधर है, नेट इधर है, नॉर्मल इधर है, नॉर्मल बदल रहा है, नॉर्मल बदल रहा है, फ्रिक्शन बदल रहा है, नॉर्मल बदल रहा है, फ्रिक्शन बदल रहा है, पर नेट हमेशा एमजी अपवर्ड है। लेकिन कब तक, जब तक रेस्ट में रहा, चलने लगा तब नहीं, चलने लगा तब नहीं, और नेट की बात हो रही है। यही रीजन है कि यहां तक इस एंगल तक आर की वैल्यू, यहां तक इस एंगल तक आर की वैल्यू एमजी है, आर की वैल्यू एमजी है, रिएक्शन फोर्स बाय प्लेन। लेकिन जैसे ही चलने लगा, जैसे ही चलने लगा, तो हम उसका भी मैक्सिमम हम बताए हैं, है ना। मैक्सिमम जब चलने लगता है तो याद करो रिएक्शन फोर्स क्या होता है, अंडर रूट एन स्क्वायर, क्या होता है, अंडर रूट, ग्राफ खींच दें, चलिए ग्राफ खींच देते हैं। जब चलने लगता है तो अंडर रूट एफ के स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसको लिख के मैं मिटा देता हूं, एफ के स्क्वायर म्यू के एम जी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस, नॉर्मल तो हमेशा एम जी कॉस थीटा ही होता है, का स्क्वायर, याद करो। रिजल्ट क्या होगा जानते हो, रिजल्ट होगा आर बराबर, देख सकते हो क्या आ रहा है, आर बराबर है एम जी कॉस थीटा अंडर रूट
म्यू के स्क्वायर प्लस वन, देख लो देख लो। लेकिन जब सरकने लगेगा तब, दो पार्ट में है। इसी तरह से फिर साइंस को हमें देखना भी चाहिए, समझना भी चाहिए, ठीक है। और जब लिख चुका हूं तो इसको मैं मिटा देता हूं, जब लिख चुका हूं तो इसको मैं मिटाना चाहता हूं। ग्राफ देखो, इतना मैं चाहता हूं कि पहले इसको खींच लूं, इसको मैं ध्यान नहीं देना चाहता, मेरा पूरा फोकस है इस पार्ट को खींचूं, ये गया भाड़ में। और जब ये खींचा जाएगा तो फिर मैं इस पर सोचूंगा और इसको खींचूंगा और ये जाएगा भाड़ में। इसी तरीके से ग्राफ के बारे में सोचना भी चाहिए। और जो क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं, जो कनेक्टिंग लिंक है, पॉइंट है, उसकी भी वैल्यूज़ देख रहे होंगे, हमें निकालना चाहिए और ये पता करना चाहिए कि क्या इस लाइन पर, डिवीज़न वाले लाइन पर, क्रिटिकल वाले लाइन पर दोनों टच कर रहे हैं ग्राफ, इधर उधर वाले डिसकॉन्टिन्यूअस है कॉन्टिन्यूअस, हमें ये चेक करना पड़ता है। और ये वेल नोन है, ऑब्वियस ही बात है कि वो टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब इस वाले में कांस्टेंट है, थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। दुनिया का कांस्टेंट ग्राफ कैसा होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया का ये बताओ कांस्टेंट ग्राफ कैसा होता है ये बताने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं। एंड दिस वैल्यू इज नथिंग बट एम जी, दिस वैल्यू इज नथिंग बट एम जी, गॉट इट। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट है, जो समझना है हम लोगों को, वो ये है कि अगला कैसे खींचा जाए। ये तो इंडिपेंडेंट था, तीन ही तरह के दुनिया में कांस्टेंट होते हैं। पहले तो कांस्टेंट पैरेलल टू एक्स होता है, पैरेलल पैरेलल कुछ भी पैरेलल, और उसमें भी तीन तीन जगह होता है, प्लस कांस्टेंट या जीरो कांस्टेंट या माइनस कांस्टेंट। इसके अलावा दुनिया में कांस्टेंट का ग्राफ ही नहीं होता, कम से कम आज यही सीख लो। हालांकि पिछले क्लास में भी मैं आपको बताया था। अब इसके लिए खींचना है जहां पे थीटा बदल रहा है, यहां पे थीटा है और कॉस का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, किसका ग्राफ है भैये, कॉस का ग्राफ है। और यदि कॉस का ग्राफ है, यदि कॉस का ग्राफ है तो कॉस का बनाना होगा। बताओ कॉस का ग्राफ ऐसे बनेगा क्या, ऐसे, लेकिन पूरा नहीं बना सकते क्योंकि अलाउ ही नहीं है, आगे अलाउ है। इसका मतलब ग्राफ ऐसे होगा, ग्राफ जो होगा वो ये होगा, ये देखो ये ग्राफ है। ये क्वेश्चन ये है कि यहां से यहां कॉस वाला, यहां पे इधर वाला तो क्यों नहीं बना है, समझ में आ गया, क्योंकि इधर तो दूसरा एक्सप्रेशन था एम जी, इधर के लिए कुछ और था, अब कॉस था ही नहीं कि बनाते आप इधर भी कॉस। हाँ, कॉस वाला सेंस। अच्छा, कैसे ग्राफ होता है मालूम है, चलिए थोड़ा सा और बता देता हूं। बनाया करो मन ही मन पूरा, लेकिन वो सेक्शन काट लिया करो, बेस्ट वे। फिर से फिर सुनो, जब पार्ट वाइज चीजें होती हैं, चीजें पार्ट वाइज होती हैं, तो सेंस पूरा बनाया करो, ऐसे ना कहना कॉस ऐसे होता है, बताया हूं, प्लस कॉस ऐसे होता है, माइनस कॉस ऐसे होता है, प्लस साइन ऐसे होता है, माइनस साइन ऐसे होता है, और ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं, ये तो होता ही है। तो मन ही मन क्या किया करो, पूरा बनाया करो, लेकिन कहा करो कि उसी में से हमको ये काटना है, ये वाला हटा देना है, ये वाला हमें लेना है, ऐसे सोचा करो। समझ में आ रहा है? तो एक तो ये पॉइंट है जो हम लोग को समझना था। प्रॉब्लम इस बात की है अब हमारे सामने, प्रॉब्लम इस बात की है हमारे सामने कि ये वैल्यू तो ठीक है, ये नीचे क्यों हुआ, और नीचे हुआ भी है तो है कितना। यदि ये नीचे हुआ भी है तो है कितना, ये वैल्यू कितना है। ये वैल्यू तो कोई डाउट नहीं कि एमजी है, क्यों नहीं इसको यहां से बनाया गया, क्यों नहीं इसको ऊपर से बनाया गया, क्यों नहीं यहीं से बनाया गया, क्यों नीचे से बनाया गया। कॉस तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, नीचे से क्यों बनाया गया। और पता है ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि अचानक कम होता है तो इसलिए कम बनाया है ना, नहीं
जब सरकने लगता है, ये सरकने वाला केस है, जब सरकने लगता है तो फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता होगा, तो रिएक्शन फोर्स बाय प्लेन भी कम ही हो जाता होगा, तो अचानक नीचे होता होगा, ऊपर वाला तो नहीं होगा, ऐसे भी सोच सकते हैं ना। तो और हाँ, दूसरा ये वैल्यू कितना है, मैं बताता हूँ वैल्यू कितना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है, कैसे मालूम चलेगा? चलो ये है जनरल एक्सप्रेशन मोशन वाला, और जनरल रिलेशन की बात मैं अक्सर करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं अपने क्लास में मैं आपको केवल रिजल्ट या फाइनल ग्राफ या सोल्यूशन ये नहीं देता, मैं आपको अक्सर ये बात करता हूँ, मैं चीज़ों को जनरलाइज करता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या आप जनरलाइज करके देखते हैं कि नहीं, चीज़ों को रिलेशन के तौर पे देखते हैं कि नहीं। तो जो रिलेशन, इसका मतलब ये है कि थीटा रखोगे तो आर मिल जाएगा, और आर रखोगे तो थीटा मिल जाएगा, पर उसी रेंज में रखना होगा जिसके लिए अलाउ है। क्या ये बात फ्रिक्शन के लिए है? ये क्या ये बात आगे के लिए नहीं है, जो कई लोग चिंतित रहते हैं कि सर कोर्स रुका हुआ है और क्या हो रहा है। ये सब के लिए, हर चैप्टर पूरे साइंस के लिए है, यदि आप सीख गए ना तो। ये ज़्यादा ज़रूरी है जो मैं अक्सर बात करता हूँ, है ना। तो हाँ, तो ये बताओ, हमारे पास ये रिलेशन है तो तुम्हें ये ही वाला चाहिए ना, इसी एंगल के लिए चाहिए ना, इसका मतलब इसके लिए चाहिए, इस एंगल के लिए, मतलब ये इस केस के लिए चाहिए। तो रख लेते हैं वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू रख लेते हैं। कॉस थीटा कितना है, दिख ही रहा है, कोई दिक्कत? कॉस थीटा दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम किसी को? अच्छा, प्रॉब्लम नहीं है तो ये रिजल्ट है। कॉस थीटा रखो तो जरा, वन बाई दिस कॉस थीटा, कॉस थीटा रखोगे वन बाई दिस, तो आपको मिलेगा आर की वैल्यू है एम जी अंडर रूट म्यू के स्क्वायर। सभी लोग रख के देखें, एम जी अंडर रूट म्यू के स्क्वायर प्लस वन बाई म्यू एस स्क्वायर प्लस वन, करके देखो, सभी लोग करके देखो। आपको ये वैल्यू चाहिए, इस ग्राफ का ये रिलेशन है, इस मोमेंट पर वैल्यू चाहिए, मतलब इसके लिए वैल्यू चाहिए, मतलब इसके लिए कॉस थीटा रखना होगा। कॉस थीटा इज नथिंग बट वन बाई दिस, सो वन बाई दैट, रख के देखो यही आता है कि नहीं, रख के देखो यही आता है कि नहीं। अब क्वेश्चन सुनो, कितना कठिन और कितना मजेदार है ये, कितना कठिन और कितना मजेदार ये है कि यदि मैं आपसे ये कहूं कि जब मैं इसको बढ़ा रहा था, सो मैं कहूं कि व्हाट इज मैक्सिमम रिएक्शन फोर्स अप्लाइड बाय ऑफर्ड बाय प्लेन ऑन ब्लॉक ड्यूरिंग मोशन। जब मोशन कर रहा था, मोशन कर रहा था तो मैक्सिमम रिएक्शन फोर्स कितना था? यदि मोशन कर रहा था मतलब चल रहा था, सरक रहा था ड्यूरिंग स्लिपिंग, तो आंसर ये है। अब बताओ किस किताब में ये क्वेश्चन है? नहीं है, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये समझना है। तो हमें लग रहा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, बड़ा मज़ा आ रहा होगा। वैसे तो मैक्सिमम रिएक्शन फोर्स एम जी है, लेकिन जब सरक रहा था तो मैक्सिमम कितना था, तो ये है। नहीं, सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं सब, जो हम लोगों को देखना है। ओके, और अंतिम ग्राफ हम लोग के पास बचा हुआ है, उसकी बात कर लेते हैं। अंतिम ग्राफ है ना, उसकी भी बात कर लेते हैं जल्दी से। तो अंतिम ग्राफ है हम लोगों का एक्सेलरेशन और थीटा का, अंतिम बात करते हैं और एक्सेलरेशन और थीटा की बात करते हैं। तो एक्सेलरेशन और थीटा, चलिए ये रहा एक्सेलरेशन और थीटा की बात करने जा रहे हैं हम लोग। कम ऑन, सी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स। ओके, पहले तो मैं सोच रहा हूं कि ग्राफ खींच दूं, मतलब सॉरी एक्सिस खींच दूं,
मेरी हार्दिक इच्छा है ताकि हम लोगों की प्लानिंग थोड़ी स्ट्रांग हो जाए तब बात हो, एक्सेलरेशन अगेंस्ट थीटा। और इससे पहले कि आगे की बात हो, ये 90 लिखना चाहता हूँ, मेरी हार्दिक इच्छा है। और आपको पता है कि एक्सेलरेशन 0000000000000000000 अचानक एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन बढ़ता चला जाएगा 90 तक। लेकिन कहाँ तक जीरो एक्सेलरेशन हुआ आपको पता है। तो दो केस बना, नो एक्सेलरेशन वाला, और कहाँ तक एंगल, टैन इनवर्स म्यू एस तक। जीरो से टैन इनवर्स म्यू एस तक, जीरो से टैन इनवर्स म्यू एस तक एक्सेलरेशन जीरो था, ये रहा एक्सेलरेशन, ये रहा एक्सेलरेशन जीरो। और देखिए मैं दो डिवीजन मिटा भी नहीं रहा हूं, थीटा का जीरो से 90 का, जो जीरो से 90 के बीच में जीरो से दिस एंड दिस टू दैट, ऐसे सो मिटा भी नहीं रहा हूं। एम आई राइट? ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये तो हो गया, ये तो दिख रहा था, साफ दिख रहा है कि जीरो था। लेकिन जब एक्सेलरेट हो रहा था तो रिजल्ट हमारे पास क्या था, हमारे पास क्या रिजल्ट था, याद करो, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा, सरक रहा है म्यू के, नॉट म्यू एस। सरकने वाले केस में, सरकने वाले केस में तो अब के म्यू के लगाओगे, चल रहा है भाई। और जब लिखना तुम कहो तो लिख दें, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा बराबर एम ए, एम एम कैंसिल, एक्सेलरेशन की वैल्यू आई जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। तो ये देखो रिजल्ट हमारे पास एक्सेलरेशन का आ गया, जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा, ये रिलेशन आ गया। और इसको मिटा देता हूं, ये तो मैं आपको सिखाने के लिए बोला था, लिखा था। क्वेश्चन ये है कि फिर से अब ग्राफ खींचना है, कैसे खींचा जाए। और ग्राफ तो खींचने के लिए स्टेप्स आपको मालूम है कि रिलेशन निकालना होता है, डिवीजन करना होता है, यदि डिवीजन है तो जितने डिवीजन है उतने करने होते हैं, और थीटा को बढ़ाते रहना होता है और ग्राफ खींचते रहना होता है, ऑब्वियस ही बात है। एनीवे, एक्सेलरेशन जीरो, कौन नहीं जानता, ये कांस्टेंट है, जीरो है इतने तक। मैं चाहता हूं कि इतना ही बनाऊं, भाड़ में गया ये, मैं इतना ही बनाना चाहता हूं, पहले इस पे फोकस करना चाहता हूं, बनाना चाहता हूं, फिर इस पे फोकस करना चाहता हूं, बनाना चाहता हूं, कंप्लीट हो जाएगा। जरूरत पड़ता तो ऐसे ही फोकस करता और बनाता रहता। ओके, सो करते हैं, पहले मैं इस पे एक्सेलरेशन इतने एंगल तक, मतलब यहां से यहां तक जीरो एक्सेलरेशन है, और जीरो कुछ और नहीं बल्कि सभी को पता है जीरो, जीरो कैसे दिखाया जाता है, जीरो कांस्टेंट, ऑब्वियस ही बात है, ऑब्वियस ही बात है, ये मैं आपको बताना चाहता था। दूसरा ये है कि अब ये जो वैल्यू है, अब ये जो वैल्यू है इसका क्या करें, अब ये जो वैल्यू है इसका क्या किया जाए, ये भी एक हमारे लिए एक परेशानी की बात है, है ना। तो ग्राफ खींचना है बहुत कठिन हो गया है, हम लोगों को डिफरेंशिएट करके इसका स्लोप देखना होगा, और डबल डिफरेंशिएट करके स्लोप का स्लोप देखना होगा, क्योंकि मेरे अंदर तो ये आ रहा है कि अचानक जीरो 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 रहेगा, अचानक इसको एक्सेलरेशन मिलने वाला है, अचानक। और 90 डिग्री पे होते होते देखो, हमारे लिए देखो 90 डिग्री, कुछ पॉइंट निकालना चाहता हूं, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं कुछ पॉइंट निकालूं। 90 डिग्री होते होते, 90 डिग्री होते होते 90 रखोगे जीरो हो जाएगा, 90 रखोगे जी हो जाएगा, तो ये पता चल चुका है कि यहां पर तो जी होगा, ठीक है, यहां पर तो जी होगा।
तो यहाँ अच्छा कुछ शुरुआत होगा अच्छे खासे एक्सेलरेशन से। देखना फिर से मैं कहीं एक्सपेरिमेंट करके दिखा देता हूँ। एक्सेलरेशन 0000000000000 अचानक एक्सेलरेशन, अच्छा खासा एक्सेलरेशन हो गया। फिर से देख लो एक्सपेरिमेंट, जीरो एक्सेलरेशन, ठीक ठाक एक्सेलरेशन से शुरुआत हुआ है। इसका मतलब शुरू में जीरो से शुरुआत नहीं होनी है, कहीं और से शुरुआत होनी है, और डिसकॉन्टिन्यूटी तो वैसे भी आना था। अब हमें ये ग्राफ हमें मिलाना है। ये तो कैसे मिलाया जाए? हमारे पास तीन ऑप्शन होता है जब भी हमारे पास पॉइंट्स होते हैं और ग्राफ खींचना होता है, तो हमारे पास तीन तरीके होते हैं। या तो हम स्ट्रेट लाइन मिला दें तो ठीक है, या तो कर्व मिलाए तो दो ऑप्शन, या तो ऐसे मिला दें या तो ऐसे। अब ये नहीं समझ में आ रहा है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं मिलाऊंगा, ऐसे तो नहीं मिलाऊंगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन रिलेशन नहीं है। पहले तो हमें यही सोचना होता है कहीं पे ग्राफ में कि स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है। और दूसरा हमें ये देखना होता है कर्व है तो भी दिक्कत है, ऐसे है कि ऐसे है। कर्व ऐसे होना और कर्व ऐसे होने में अंतर होता है। कर्व जब ऐसे होता है और कर्व ऐसे होता है तो दोनों ही इंक्रीज करता है, पर ऐसे कर्व का स्लोप घटता है। स्लोप ज़्यादा है, कम हुआ, स्लोप। और ऐसे वाले में स्लोप कम है, ज़्यादा हुआ, स्लोप का अंतर है। इसका मतलब हमें डिफरेंशिएट करके देखना होगा कि आखिर स्लोप का क्या हो रहा है। ओके, तो डिफरेंशिएट करके आप देखिएगा, आपका काम है। पिछले क्लास में मैं बता चुका हूँ, ग्राफ खींच चुका हूँ, और ग्राफ ये आता है, ग्राफ ये है, ये ग्राफ है। मैं आपको ये बताना चाहता था, ग्राफ ये है। अब क्वेश्चन ये है कि यदि ये ग्राफ है, यदि ऐसे है, ग्राफ ये है, ग्राफ तो ठीक गया, हाँ स्लोप डिक्रीजिंग है। ये आपको डिफ्रेंशिएट करके मैं कर नहीं रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। मैं क्या करके देखा हूँ, मैं इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ, इतना डिटेल में पढ़ाता हूँ कि जिनको मैं पढ़ाता हूँ वो बच्चे सब मेहनत करके मेरे गाइडेंस में कि करके बताओ, देखो क्या हो रहा है। मैथ्स यूज़ करते हैं, कैलकुलस यूज़ करते हैं, वो खुद बताते हैं सर ये हो रहा है, वो होगा, ये होगा, ऐसे करके बताते हैं। तो उन्हीं के उनका वो बताए हैं बल्कि सब नहीं है ना। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो पॉइंट है, इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाला है। ये जो अचानक सरकने लगा, मतलब जब शुरू ही किया तो जीरो एक्सेलरेशन से नहीं शुरू किया, जीरो 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 अचानक कुछ हो गया। ये अचानक ही कुछ हो गया, तो यदि मैं कहूँ कि एक्सेलरेशन नॉन जीरो बट मिनिमम एक्सेलरेशन, बड़ा कठिन स्टेटमेंट है। यदि मैं ये कह दूं कि इसके थीटा को बढ़ाया गया, नॉन जीरो मिनिमम एक्सेलरेशन कितना है? दिस इज नॉन जीरो एक्सेलरेशन। नॉन जीरो में मिनिमम कितना है? ये क्या आसान क्वेश्चन है? बहुत कठिन क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत कठिन क्वेश्चन है। इसको कैसे किया जाए, करते हैं, कैसे किया जाए, क्या किया जाएगा, चलिए देखते हैं। कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, अभी निकालने वाला है कि ये जी फिर से याद दिला दूं क्या निकालने जा रहे हैं। कितने एक्सेलरेशन से सीधा चलना शुरू किया, देखो कितने एक्सेलरेशन से चलना शुरू किया, जीरो से नहीं किया था, यही रियल लाइफ है। एनीवे, सो ये कितना वैल्यू होगा, कैसे निकाला जाए यार, मैं बता रहा हूँ। ये रिलेशन तो ये वाला है। फोकस, कहीं और भी ऐसे ही सोचना। मैं ये कह रहा हूँ,
कि ये रिलेशन तो ये वाला है जिसका ग्राफ है, और ये वाला तो ये रिलेशन है, आपको ये पाना है, मतलब किस थीटा पर पाना है, यहीं पे देखो इसी थीटा पर ये भी है और इसी थीटा पर ये भी है, तो हमें ये पाना है तो इसमें रखना है, यदि ये पाना हुआ तो रख लेना उसमें, तो इसी थीटा पर, इस थीटा पर मतलब ये थीटा। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये वाला। तो बताओ तुम्हें क्या रखना है, साइन थीटा कॉस थीटा दोनों रखना है क्या, पर इसके लिए तो रखते हैं, देखते हैं क्या रहा है। ए बराबर जी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन थीटा, देख के जरा बताओ यहां पे, व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन थीटा, दैट इज म्यू एस बाई अंडर रूट म्यू एस स्क्वायर प्लस वन माइनस म्यू के जी। व्हाट इज कॉस थीटा, यही वाला थीटा, यही वाला, व्हाट इज कॉस थीटा, दैट इज वन बाई अंडर रूट म्यू एस स्क्वायर प्लस वन। नीचे देखो सेम है, ऊपर देखो जी कॉमन है और म्यू एस माइनस म्यू के बचेगा कॉमन, गॉट इट। यदि ऐसा है तो सीधा इसको तुम लोग लिख लो, बल्कि मैं लिख दूं क्या लग रहा है, चलो लिख लो जी म्यू एस माइनस म्यू के बाई अंडर रूट म्यू एस स्क्वायर प्लस वन। दिस इज एक्सेलरेशन, मिनिमम नॉन जीरो एक्सेलरेशन, और इसकी वैल्यू मैं लिखता हूं यहां पे, मैं चाहता हूं कि लिखूं, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं यहां लिखूं, ये वैल्यू है एक्सेलरेशन की, वैल्यू है जी म्यू एस माइनस म्यू के बाई अंडर रूट म्यू एस स्क्वायर प्लस वन। क्या तुम्हें ये आसान पार्ट लग रहा है, ये वैल्यू अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कुछ वैल्यू दे के कुछ पूछा जा सकता है, एंगल दे के कुछ पूछा जा सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो आपको समझना था। तो ये रहा सारा कुछ डिटेल हुआ इसके लिए, इससे रिलेटेड। मैं पता है मैं क्या सोचा था, मैं ये सोच के आया था कि जब मैं आपको आज क्लास में आऊँगा तो 10 मिनट के अंदर मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगा और मैं कुछ और आपको पढ़ाऊँगा, पर अजीब सा मेरा दिल है कि मानता नहीं, मैं आपको पढ़ाते समय कुछ छोड़ता नहीं, क्योंकि मैं पढ़ाते समय भूल जाता हूँ कि आप IIT PMT नीट और नीट चीट पीट वाले हैं, आप IIT OIT वाले हैं, क्योंकि मेरा मकसद IIT और नीट में क्वालिफाई कराना नहीं, पर साइंस को ज़िंदा रखना, साइंस पढ़ाना है। और अच्छी चीज़ बता दूँ, 3 इडियट्स और बहुत सारे लिखे गए इस पर, आर्टिकल लिखे गए, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेज हुए हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। एजुकेशन इज ऑल अबाउट रेशनलिटी, एथिक्स, मोरल वैल्यूज, साइंटिफिक अप्रोच, इसके बारे में, IIT OIT नहीं। और सच ये है कि बहुत सारे मूवीज़ और बहुत सारी कहानियाँ और बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेज हुए हैं कि यदि आप यही वाला करोगे तो वो वाला पाओगे जो IIT नीट की तैयारी कर रहे हो, वही वाला मिलेगा। ये देखो, जब हम IIT और नीट को भूल कर जीते हैं साइंस को, तो वही वाला पा लेते हैं जो हम एक थोड़े से कॉर्नर दिमाग में रखे रहते हैं, IIT और नीट वाला। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो हमें समझना है। तो चलिए, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं सब मैं आपको बता दिया सारा। ये बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया है, नहीं जो शुरुआत ही हुआ था, जिस एक्सेलरेशन से हम लोग बढ़ाते रहे सरकने लगा था, तो वही वाला एक्सेलरेशन है ये, वही वाला। यदि उसकी जगह म्यू एस और म्यू के को बराबर कर दिया जाए, म्यू एस और म्यू के को बराबर करके म्यू कर दिया जाए, तो ये जीरो से शुरुआत होगा, और पिछले वाले क्लास में यहीं से शुरू हुआ था, देख लेना, पिछले वाले क्लास में यहीं से शुरू हुआ था। चलिए थोड़ा सा और हम लोग पढ़ लेते हैं, कम से कम ऐसा ना रहे कि हमारा एक ही क्वेश्चन
मतलब अगले अगले लेक्चर में भी कंटिन्यू होके बाकी कुछ और भी नहीं पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग वो भी पढ़ लेते हैं। एनीवे तो जल्दी से हम लोग एक और एक दो चीज़ें और पढ़ लेते हैं ताकि ये रहे कि भाई आज हम लोग चीज़ें ऐड किए हैं। हाँ, बजाय इसके कि मैं एक लंबा क्वेश्चन लिखवाऊँ, ज़्यादा है कि मैं फोटो एक बना दूँ और उसको जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए एक फ़ोटो बना देता हूँ मैं और उस पर बात कर लेते हैं। ये रहा टेबल, ये है टेबल ना, ठीक है, टेबल है और इस पर एक चेन रखा हुआ है, एक चेन रखा हुआ है, ठीक है, इस पर एक चेन रखा हुआ है, मास एम लेंथ एल है ना, और वैल्यू क्या दिया हुआ है, वैल्यू म्यू है ना, यहां पर म्यू वैल्यू है, मास एम लेंथ एल है। फाइन, इसको लिख सकते हो क्वेश्चन, आई शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर फाइन मैक्सिमम हैंगिंग लेंथ, एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर फाइन मैक्सिमम हैंगिंग लेंथ ऑफ चेन फॉर नो स्लीपिंग, as shown in figure find maximum hanging length, as shown in figure find maximum hanging length of chain for no slipping, जल्दी से करो। अच्छा, इसको मान लो क्वेश्चन कैसे भी होते हैं वो भी जान लो तो अच्छा रहेगा। इमेजिन करो कि हम ये फोटो नहीं दिए हैं ना, अक्सर वैसे फिजिक्स में फोटो रहता है, फोटो नहीं दिए तो कैसे लिखा रहेगा, अ चेन, अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास एम एंड लेंथ एल इज केप्ट ऑन अ टेबल विथ सम पार्ट ऑफ इट इज हैंगिंग फ्रॉम द टेबल, इफ कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टेबल एंड चेन इज म्यू देन फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल हैंगिंग लेंथ फॉर नो स्लिपिंग ऑफ चेन। आपको नहीं लगता है कि जो मैं बोला हूं वो, उसके लिए आपको यही फोटो बनाना होगा। तो इसका मतलब ये भी आज की क्लास में ये भी हम लोग सीख लिए कि बिना फोटो के भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, वो कठिन कहलाते हैं ज़्यादा, क्योंकि हमें बार बार पढ़ के हमें फ़ोटो बनाना होता है, तो इसीलिए फ़ोटो दे दिया जाता है ताकि बार बार पढ़ के अपने से फ़ोटो बनाने में टाइम किल ना हो, और अंडरस्टैंडिंग के लिए भी दे देते हैं। तो जल्दी से आप लोग करिए, इसको जल्दी से सॉल्व करिए। आप घर पे एक्सपेरिमेंट करिएगा, आप टेबल लेके आइएगा, जैसे ये टेबल है, टेबल पे जाइएगा और अपने मम्मी का चेन तोड़ लीजिएगा, पहनी होंगी तो लतिया भी दिए जाओगे, ये मत करना, मैं मजाक कर रहा हूँ, खींचोगे तो पता लगे एक लात पड़ भी जाएगा, एक्सपेरिमेंट भी नहीं हो पाएगा तुमसे, फिर छीन भी लेंगी, फिर टूट जाएगा तो और शामत आ जाएगी तुम्हारी, फिर तो कई लात खा जाओगे, फेंका भी जाओगे, पसर जाओगे वहीं पे। एनीवे, कोई भी चेन दूसरा ले लीजिएगा और जाके टेबल पे, चलिए इसको टेबल मान लेते हैं, इसको टेबल मान लेते हैं ना, इसको चेन, ये चेन है, इसको मैं यहाँ पे रखा ऐसे, तो अभी गिर नहीं रहा है, फ्रिक्शन रोका हुआ है ना, दिख रहा होगा आप लोगों को, इसको मैं थोड़ा और सरकाया, गिर गया, देखिए आप लोग, ये सरक के गिर गया। आप हैंगिंग लेंथ को बढ़ाते रहिएगा तो रुका रहेगा, और बढ़ाओ और रुका रहेगा, पर हमेशा थोड़ी रुका रहेगा, सरक के गिरना ही है, तो जो रुका हुआ था वो फ्रिक्शन रोका था, सरकने नहीं दे रहा था, लेकिन फ्रिक्शन की एक लिमिटेशन होती है। तो जल्दी से आप लोग करिए और कुछ सीखते हैं आज हम लोग, है ना, कुछ सीखते हैं, कम ऑन, डू इट फास्ट, जल्दी जल्दी करो सभी लोग, एक मिनट टाइम लो, करो।
मैं इसको एक्सप्लेन कर दिया हूँ, मैं ये भी बोल दिया हूँ कि घर पे आप इसको कर सकते हैं, और ये भी बोलता हूँ, ये भी कई बार बोलता रहता हूँ कि इमेजिन करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में तो ना ही घर की तरह कोई चीज़ें लेके कर सकते हैं और ना ही आप आपके सामने चीज़ें रहती हैं जिसको देख के आप 3D तरीके से उसको देख भी सकते हैं, मतलब देखने तक के ये अलाउ नहीं रहता है कि कोई ऑब्जेक्ट है देख लो, वो एक्सपेरिमेंट तो दूर, तो आपको इमेजिन करना होता है ना चीज़ों को, कि मैक्सिमम हैंगिंग लेंथ आपको बताना है ताकि न सरके। तो आधा मिनट लीजिए और ट्राई करिए। जो बच्चे क्लास कर रहे हैं और ट्राई नहीं कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं, तुम साइंस के लिए स्टूडेंट होने के लायक नहीं हो। आपको ब्लाइंडली फॉलो करना होता है जो टीचर बोलता है। तो आप करिए घर बैठे जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, और जो भी टीचर, बात केवल मेरी नहीं है, जो भी टीचर आपको बोलता है वो करना चाहिए। एनीवेज जल्दी करिए। टाइम इज ओवर, चलिए इसको करने की सोचते हैं। और अच्छा क्वेश्चन है, हाँ ध्यान से, मेरे दिमाग में आ रहा है कि आखिर ये जब हैंगिंग है तो थोड़ा ज़्यादा करूँगा, इधर वाला पोर्शन ज़्यादा कर दूँ, इधर वाला कम कर दूँ, सरक के गिरेगा क्यों? क्योंकि ये जो हैंगिंग पार्ट है ना, जो लटका हुआ पार्ट है, उसका MG इसको सरकाना चाहता है, ड्राइव करना चाहता है, एक्सेलरेट करना चाहता है, फोर्स लगा के खींचना चाहता है MG वाला जो हैंगिंग पार्ट है, और यहाँ पे फ्रिक्शन जो सरकना चाहता है उसको रोकना चाहता है। तो चलिए देखते हैं ध्यान से। पहले तो ये बच्चे क्यों नहीं कर पाते हैं उसको धीरे धीरे फॉलो करो। कहा गया कि मैक्सिमम हैंगिंग लेंथ बताओ ताकि न सरके। तो मान लेते हैं कि वो हैंगिंग लेंथ की वैल्यू x है, मतलब x मानोगे तभी तो आएगा, बड़ा पॉइंट है। मान लिए तो ये, तब ये वाला पार्ट आपको पता ही है कि L-X है, क्योंकि आपको मालूम है कि टोटल लेंथ L है। तो एक क्या चीज़ हम लोग सीखे जिसके कारण बच्चे वीक होते हैं, नहीं कर पाते हैं, जो चीज़ पाना होता है उसको अज्यूम तक नहीं करते हैं। भाई अज्यूम करोगे, कुछ फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, रिलेशन लिखोगे, लॉज लगाओगे, इक्वेशन आएगा, सॉल्व करोगे, सब्स्टिट्यूट, सब चीज़ें एक तरीका है ना। अब आपको ऐसे पढ़ते ही नहीं है, साइंस को साइंस की तरह न पढ़ाया जा रहा है, न साइंस को साइंस की तरह पढ़ा जा रहा है, खासकर इंडिया में। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा आपके साथ हो, यदि मैं पढ़ा रहा हूँ तो खासकर। एनीवे, सो यहाँ पे क्या है, ये रहा MG, इसे खींचना चाहता है, लेकिन पूरा MG नहीं, जितना हैंगिंग पार्ट है उतना ही, क्योंकि इसका MG तो ऐसे जो बैलेंस है नॉर्मल से। अब कितना ये MG नहीं लिख सकता, मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ इनटू जी, सही है, मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ इनटू जी, इतना ही मास है। आप कहेंगे सर ये कहाँ से आ गया, ऐसे कैसे लिख दिए? सिंपल सा, वो पढ़े होगे बहुत पहले भी, L लेंथ का M मास है और तुम्हें X लेंथ का चाहिए, बढ़िया। L लेंथ का M मास है तो यूनिट लेंथ का M/L मास है, तो X लेंथ का M/L इंटू X मास है, तो वही तो है MG, यही वाला, बहुत पढ़े होगे। और लेकिन पढ़ते समय हमें याद है कि जब मैं कहता हूँ कि इतने पे इतना है तो एक पे इतना है तो इतने पे कितना है, अपना करते थे, अब खूब करते थे, लेकिन देखो कितनी अजीब सी बात है, कभी नहीं बताया गया कि जब इतने पे इतना करके एक पे करके और सीधा मल्टीप्लाई करने के नाम पे लास्ट में निकालते हैं, तो ये प्रोसेस करते क्या हैं? प्रोसेस ये करते हैं कि हम लोग रेट निकालते हैं, जब वन वाला करते हैं ना, डिवाइड करते हैं, तो उस समय हम चीज़ों का पर यूनिट या रेट निकालते हैं, और रेट निकालने के बाद केवल चीज़ें रेट की मल्टीप्लाई की जाती हैं, चाहे पर यूनिट का मल्टीप्लाई किया जाता है, ये भी जानना चाहिए। तो हमें लग रहा है कि आप, तो इसका मतलब साफ है, यहाँ वाला तब कितना होगा बताओ, मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, इतना मास होगा इनटू जी, यहाँ पे नॉर्मल होगा आपको पता ही है, और क्योंकि ये
खींचना चाहता है, सरका के गिराना चाहता है, इसलिए यहां पर लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। सरका के गिराना चाहता है यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स। हमें लग रहा है कि सबको समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट ये है, दिस कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। अगला पॉइंट ये है जो आपके सामने जो दिख रहा है वो ये है कि अब हमें एक्स निकालने के लिए करना क्या होगा। तो फिर भाई ये कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है, हमें समझना होगा। तो ध्यान से फोकस करके सुनो, बात फ्रिक्शन में मैक्सिमम मिनिमम हैंगिंग लेंथ की नहीं है, बात मैक्सिमम मिनिमम मतलब क्रिटिकल वैल्यू की है। और क्रिटिकल वैल्यू फ्रिक्शन में क्रिटिकल लिमिटिंग ही डिफाइन करेगा। अच्छा, मैक्सिमम मिनिमम तो लिमिटिंग वैल्यू ही होता होगा, क्यों? मैक्सिमम मिनिमम तो लिमिटिंग वैल्यू होता होगा। यदि मैक्सिमम मिनिमम लिमिटिंग वैल्यू है तो उसके लिए लिमिटिंग वैल्यूज लगते होंगे। इसका मतलब फ्रिक्शन इन्वॉल्व होते हुए, यदि इसका मतलब फ्रिक्शन इन्वॉल्व होते हुए कोई भी चीज दुनिया का लिमिटिंग वैल्यू पूछा जाए, इसे पहले भी पढ़ भी रहे थे, थीटा बताइए, मिनिमम एक्सेलरेशन बताइए, रिएक्शन फोर्स बताइए, फलाना बताइए, ढमकाना बताइए, तो लिमिटिंग वैल्यू तो बताइए, तो उसके लिए लिमिटिंग वैल्यूज एनीवे। सो तो हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। मेरे पास दो ऑप्शन होंगे, एक तो सीधा लिमिटिंग वैल्यू एफ को रख दूं और बैलेंस कर दूं, रोक लूं, ये एक तरीका है। और एक जो फंडामेंटल है फ्रिक्शन का, वो एक तरीका है। फिर सुनो ध्यान से मेरी बात, गौर करो, फोकस करो मेरी बात पे ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं कि कहीं पे भी कोई भी चीज मैक्सिमम मिनिमम लिमिटिंग, जैसे यहां पे मैक्सिमम लेंथ फॉर नो स्लीपिंग, अच्छा है, क्वेश्चन ये भी होता है कि मिनिमम हैंगिंग लेंथ टू स्लाइड डाउन द चेन टू फॉल, मतलब गिरने के लिए, स्लाइड कराने के लिए, स्लिप होने के लिए, गिर जाने के लिए मिनिमम हैंगिंग लेंथ। तो मिनिमम हैंगिंग लेंथ गिरा देने के लिए, चाहे मैक्सिमम हैंगिंग लेंथ न गिरने के लिए, आपको सरप्राइज हुआ जान के दोनों का आंसर सेम आएगा। जो अक्सर बात करता रहा हूँ पूरे साइंस में, इसी तरह की बातें हैं जिसे क्रिटिकल वैल्यू भी बोलते हैं। और इन चीज़ों को निकालने के लिए यहाँ पे लिमिटिंग रखना होगा। तो पहले निकाल लेते हैं, फिर बात करता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। हमको लगता है कि ये वाला समझ में आ गया होगा आपको। पर यूनिट के लिए हमेशा टोटल बाई टोटल करते हैं, टोटल मास बाई टोटल लेंथ, टोटल मास बाई टोटल लेंथ मल्टीप्लाई बाई इंटरेस्टेड लेंथ टू गेट द पर्टिकुलर मास। फिर से, टोटल मास बाई टोटल लेंथ मल्टीप्लाई बाई इंटरेस्टेड लेंथ, मल्टीप्लाई बाई इंटरेस्टेड लेंथ टू गेट द पर्टिकुलर मास ऑफ लेंथ। ठीक है, एनीवे, सो ये देखिए, नॉर्मल नॉर्मल बैलेंस, नॉर्मल बैलेंस, हाँ। अगला आपको पता ही है, लिमिटिंग म्यू एन होता है, तो मास, हाँ आपको पता ही है म्यू एन होता है, हाँ ठीक है। मेरे पास दो ऑप्शन है, आपको भी यदि आप चाहते हैं कि फटाक से जल्दी से आंसर आए, रिजल्ट आए, और इसी इस कहीं पे भी आए, तो सीधा फ्रिक्शन को लिमिटिंग रख लो, क्योंकि लिमिटिंग पाना है। तो यहाँ पे जो है ना, ये वाला वैल्यू यहाँ रख लो, और चलाने वाला और रोकने वाला बैलेंस करो, और रिजल्ट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? रोकने वाला, चलाने वाला, रिजल्ट आ जाएगा, एक तरीका है ये। तरीका बैठा लो अपने खोपड़ी में,
कि कहीं पे भी इनइक्वालिटी तुम नहीं चाहते हो, जो कि डरावना होता है, बहुत सारे बच्चे डरते हैं, तो तुम चाहते हो कि थोड़ी आसानी से निकाला जाए, मैक्सिमा मिनिमा या कोई भी चीज़। तो लिमिटिंग रख के और बैलेंस कर लिया करो हर जगह और काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। दूसरा तरीका मेरा ये है कि ये अपना अलग हिसाब किताब होता है, और कहा गया है कि नहीं सरक रहा है, कहा गया है नहीं सरक रहा है, इसका मतलब सरकाने वाला फोर्स को फ्रिक्शन बैलेंस कर दिया है। ये सरकाना चाहता है तो फ्रिक्शन उतना ही डेवलप हुआ है जितना सरकाने वाला चलाना चाहता है, क्योंकि इसको सरकना नहीं है इसको, तो फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही डेवलप हुआ है। तो कंडीशन से फ्रिक्शनल फोर्स आता है, और फ्री बॉडी डायग्राम से इसका अपना अलग हिसाब किताब होता है हर क्वेश्चन में। एफ मैक्सिमम का सरकने न सरकने से मतलब नहीं होता, वो लिमिटिंग अपनी वैल्यू होती है, पूरे चैप्टर में यही पढ़े हम लोग, राइट। फ्रिक्शन का फंडामेंटल इक्वेशन, दूसरा तरीका बता रहा हूं, पहला तरीका खत्म हो चुका है। यदि पहला तरीका करना है तो ये जो आया है ये और ये बैलेंस कर लो, ये मत लिखो, सीधा ये और ये बैलेंस करो लिमिटिंग वाला, क्योंकि लिमिटिंग पाना है आपको, बैलेंस करिए। लेकिन यदि दूसरा तरीका चाहते हो जो ज़्यादा साइंटिफिक, ज़्यादा रेंज, ब्रॉडर वे, पूरा पार्ट कवर करता है इनइक्वालिटी के तौर पे, जो जिस तरीके से दुनिया देखी जाती है दो डोमेन दो रेंज में, उसके अनुसार फंडामेंटल जो रिलेशन है वो समझने की कोशिश करो। ये जानते हो, ये जो दिख रहा है ना रिलेशन, ये इस क्वेश्चन का नहीं है, इस चैप्टर का फंडामेंटल रिलेशन है। फ्रिक्शनल फोर्स या तो मैक्सिमम के बराबर होता है या तो उससे कम होता है, ऐसे जीरो भी लिख सकता हूँ, जीरो से लेके मैक्सिमम के बीच में ऐसे लगता है। और ये हमेशा इस तरह की बात है, ये कहीं पे भी हर क्वेश्चन में ये होता है, दुनिया का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है फ्रिक्शन का जहां पे ये होल्ड न करता हो, ये फंडामेंटल थ्योरी है फ्रिक्शन की। तो ये मैं निकाला हूं यहां से, और ये मैं निकाला हूं फ्री बॉडी डायग्राम से जो अक्सर निकाला जाता है, दोनों को हर क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में नहीं, मैं कहीं पे भी इस बात को ला के यहां पे रख सकता हूं, कहूंगा कि ये वैल्यू है एम बाई एल एक्स जी लेस देन और इक्वल टू, ये अलग म्यू एम बाई एल एल माइनस एक्स बाई जी, वही लिखा हूं जो मैं आपको बता रहा था फंडामेंटली। अब इसको सॉल्व करते हैं, एम बाई एल कैंसिल, जी और जी कैंसिल, आया एक्स लेस देन इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एक्स। तुम इसको म्यू एक्स को इधर लेके आओ, सॉल्व करो, तुम्हें मिलेगा जो रिजल्ट आएगा वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। जो रिजल्ट आएगा एक्स लेस देन आर इक्वल टू म्यू एल बाई म्यू प्लस वन, ये आएगा रिजल्ट म्यू एल बाई म्यू प्लस वन आएगा, म्यू एल बाई म्यू प्लस वन आएगा, ठीक है। ये किस चीज का रिजल्ट आया है जानते हो, ये किस चीज का रिजल्ट आया है, ये आया है मिनिमम, ये आया है रिजल्ट आया है नहीं स्लिप होने का, ध्यान से सुन लो अब, ये नहीं स्लिप होने का रिजल्ट आया है, मतलब एक्स की वैल्यू या तो इतना हो या इतने से कम हो, नहीं सरकना हम माने थे, नहीं सरकना तभी ये लिखे थे। तो जब कोई चीज किसी के बराबर हो या उससे कम हो,
लेस देन और इक्वल टू, ऐसे केस में किसी के बराबर है या उससे कम हो तो मैक्सिमम डिफाइन होता है। क्या डिफाइन होता है? मैक्सिमम, ये समझना है, ये समझना है। दूसरा दूसरा चीज एक और आपको पता है, ध्यान से सुनना ना, ध्यान से सुनो मेरी बात। यदि मैं आपसे ये कहूं, फोकस करो मेरी बात पे, यदि मैं आपसे ये कहूं कि मिनिमम कितना हैंग करें कि सरक के गिर जाए, आपको पता है आंसर यही है, यही करोगे भी। और हाँ, तब आप हो सकता है कि सरकने के नाम पर ना सोचो। तो हमें कैसे सोचना चाहिए पता है? जब भी आपको, ध्यान से सुनो मेरी बात, जब जस्ट सरकने वाली बात हो, जस्ट मोशन वाली बात हो, जस्ट दिस बात हो, जस्ट डायनामिक स्टेट वाली बात हो, जस्ट लीव करने वाली बात हो, तो उसको जस्ट नॉट लीव वाली भी बात कर लेना, जस्ट लीव वाली भी बात कर लेना, डिपेंड करता है। तो यदि आपको कहा जाए कि कितना मिनिमम हो कि सरक जाए, तो बल्कि तुम कितना मैक्सिमम हो कि न सरके भी निकाल सकते हो। तो कितना मैक्सिमम हो कि न सरके, अच्छा है कितना मिनिमम हैंगिंग हो कि सरक जाए, ये दोनों बराबर होगा। और इस तरह की बातें उलट उलट के पूरा साइंस भरा हुआ है। हाँ, इनइक्वालिटी इक्वालिटी के चक्कर में मत पड़ो। फिजिक्स में इनइक्वालिटी इक्वालिटी में बहुत ज़्यादा एक मोमेंट, एक वैल्यू के लिए मायने नहीं रखता फिजिक्स में, ठीक है? तो ये समझना है। ओके, गुड, समझ में आ रहा है? तो इस तरह की बातें आप देख रहे होंगे। अच्छा हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, गलतियाँ क्या होती हैं वो भी बता दूँ। गलतियाँ ये होती हैं बच्चों से कि लिखा रहता है कि हाउ मच मिनिमम लेंथ ऑन द टेबल, हैंगिंग नहीं, मिनिमम लेंथ ऑन द टेबल फॉर नो स्लीपिंग। क्या पूछा रहता है? हाउ मच मिनिमम लेंथ ऑन द टेबल। अभी मैं क्या पूछा हूं? हाउ मच मैक्सिमम हैंगिंग लेंथ। और मैं अब दूसरा क्वेश्चन, हाउ मच मिनिमम लेंथ ऑन द टेबल फॉर नो स्लीपिंग। तो मैक्सिमम हैंगिंग लेंथ होगा तो मिनिमम ऑन द टेबल होगा, मैक्सिमम हैंगिंग लेंथ होगा तो मिनिमम ऑन द टेबल होगा, और मिनिमम ऑन द टेबल यही वाला एल माइनस एक्स होगा। जल्दी से एल माइनस एक्स करो, जल्दी से एल माइनस एक्स करो, और मिनिमम लेंथ ऑन द टेबल, मिनिमम एक्स ऑन द टेबल, मिनिमम लेंथ ऑन द टेबल करके देखो, जानते हो आएगा, वैल्यू आएगा एल बाई म्यू प्लस वन आएगा, वैल्यू आएगा एल बाई म्यू प्लस वन। ऑप्शन कई ठो दिया रहेगा, है ना, ऑप्शन कई ठो दिया रहेगा। बच्चे देख के यही वाला मार देते हैं, कहते हैं सर जो आप पढ़ाए थे वही आ गया, हम तो पढ़े नहीं, सीधा देख के मार दिए, फोटो भी वही बना था। तो ऐसा नहीं होता है कि जो चीज़ें आप देखे रहते हैं उसको उसी तरह से पूछा गया होता है या वही पूछा गया होता है। आपको केवल ये नहीं कि ऑप्शन ये दिया हुआ है, म्यू एल बाई म्यू प्लस वन दिया है, एल बाई म्यू प्लस वन दिया है, म्यू एल बाई म्यू माइनस वन दिया है, म्यू एल बाई म्यू स्क्वायर प्लस वन ऐसे दिया हुआ है। तो ऐसा थोड़ी है कि देखते ही मार दोगे। तो एक तो ये है कि क्या लिखा हुआ है, ये सब भी ध्यान देना होगा आपको, है ना। तो आप देखेंगे किस तरीके से, दो तरीके हमने बताए, एक इनइक्वालिटी के तौर पे, वैसे हमको तो यही वाला अच्छा लगता है ना, जिसमें सारा चीज़ दिया गया रहता है ना। हाँ, यदि आप चाहते हैं कि नहीं इनइक्वालिटी आपको डराता है, तो आप सीधा जो लिमिटिंग निकालते हैं उसे फ्रिक्शन माना करो। फोकस, जब आपको इनइक्वालिटी डराता हो और लंबे कैलकुलेशन और इधर उधर सोचने से बचना हो, इधर उधर इनइक्वालिटी दिस दैट ऐसे, तो आप सीधा क्या किया करो, सीधा लिमिटिंग को ही फ्रिक्शन मानकर लिमिटिंग वैल्यू निकाला करो किसी भी चीज की। ये भी हो सकता है ना। गुड, इज इट ओके?
इसी क्वेश्चन पे न्यूमेरिकल कैसे देते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू देके कैसे पूछते हैं, पूछे हैं आपसे, देखिए। चलिए सभी लोग बताइए, यदि आप मम्मी का चेन तोड़े, 90 सेंटीमीटर का है, आपकी मम्मी का चेन कितना है, 90 सेंटीमीटर का, और ले जाके टेबल पे रखे कुछ हैंग करते हुए, और म्यू की वैल्यू है 0.5, है ना। तो बताइए टेबल से कितना लेंथ हैंग करोगे मैक्सिमम, ताकि वो चेन सरक के ना गिरे। चेन और टेबल के बीच में म्यू दिया हुआ है, और जाके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, थोड़ा चेन लटकाए और लटकाए और लटकाए और गिर नहीं रहा है। तो बताना है मैक्सिमम कितना है, कितना लेंथ हैंग करेंगे कि वो सरक के नहीं गिरेगा, कितना मैक्सिमम लेंथ हैंग करेंगे। उत्कर्ष कहने का, जब सर म्यू एस म्यू के नहीं दिया है तो हमेशा लिमिटिंग को ही फ्रिक्शन मानूंगा। नहीं, हमेशा लिमिटिंग को फ्रिक्शन नहीं मानना है, म्यू एस म्यू के से मतलब नहीं है यार, मैं कुछ और बोला था। मैं ये कह रहा हूँ कि मैक्सिमम मिनिमम पूछेगा तो लिमिटिंग को फ्रिक्शन मानना है ना। अच्छा है, सरक रहा होगा तो लिमिटिंग लगाना है। ये थोड़ी कहा था कि म्यू एस म्यू के नहीं दिया रहेगा तो लिमिटिंग को फ्रिक्शन मानना, ये नहीं बोला हूं मैं, ये नहीं बोला था, है ना। ये कहां बोला था, कुछ और ऑप्शन तो हमें लग रहा है कैलकुलेट किए यार, तुम लोग कैलकुलेट करो यार, गजब है सब, बाकी लोग कैलकुलेट करो, पता नहीं क्या कर रहे हैं सब। तो लोग कल लेक्चर सुनते हो क्या यार, कैलकुलेट नहीं करते हो क्या, कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करके लोगों का आ चुका है, यही वैल्यू है। हमें लग रहा है कि न सरकने के लिए एक्स मैक्स की वैल्यू है 0.5 म्यू इंटू 90 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय म्यू प्लस वन 0.5 + 1, ये करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब टेबल से कितना हैंग करोगे, टेबल से यदि 10 सेंटीमीटर हैंग करोगे नहीं सरकेगा, 12 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1.5, 6.5, 19, 20, 25, 28, 30 सेंटीमीटर हैंग करोगे तो भी नहीं गिरेगा। कितना, 30 सेंटीमीटर तक हैंग करोगे तो नहीं गिरेगा, ठीक है। लेकिन 30 से जैसे थोड़ा सा ज्यादा करोगे तो गिर जाएगा, मतलब 30.00000000000000000001 यदि हैंग कर दिए तो सरक के गिर जाएगा। आप हमको ये बताओ कि मिनिमम कितना हैंग करें कि सरक के गिर जाए, तो भी 30 ही कहोगे, हैं भाई, है तो 30 नहीं, 30 पे तो नहीं गिर रहा था, लेकिन थोड़ा सा ही ज्यादा करने पे गिर जाएगा, तो उसको लिमिटिंग केस में 30 ही बोलते हैं। इसीलिए यही कारण है कि साइंस में हमेशा स्टेटमेंट उलट देने के बाद वैल्यू सेम रहती है क्रिटिकली। जिस दिन ये समझ जाओगे ना, उस दिन तुम्हें साइंस आ जाएगा, क्योंकि साइंस में कठिन चीज़ें वही होती हैं जो डराती हैं, जो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, जो आर पार की लड़ाई लड़ती हैं, जो सिचुएशन, वही साइंस की बातें कठिन भी होती हैं। तो इस चीज़ को समझना चाहिए सबको, है ना। तो इस चीज़ का ख्याल रखते हुए हमें लग रहा है कि आप लोगों को बहुत मज़ा भी आया होगा इसको सीखने में, करने में, है ना। और यदि इसी तरह की बात एक और मैं करूं, मैं चाहता हूं कि एक ठो प्रैक्टिस के नाम पे एक ठो और दे दूं, मैं चाहता हूं कि एक ठो प्रैक्टिस के नाम पर दिया जाए आपको, है ना। चलिए एक ठो मैं, मेरी हार्दिक इच्छा है कि प्रैक्टिस के नाम पर एक ठो क्वेश्चन दिया जाए आपको, देखता हूं कि आप लोग कर पाते हैं। चलिए प्रैक्टिस के नाम पर अंतिम क्वेश्चन खटाक से करके आप लोग
हम भी चलेंगे, आप लोग बताइएगा, एक कार्ट है, बस है, ट्रक है, चाहे जो भी कह लीजिए। और इसके सामने ये है एक ब्लॉक है, हाँ मास एम है। बताना है कि इस कार्ट का एक्सलरेशन है ना, जल्दी से बताइए, ये दिया हुआ है यहाँ पे म्यू दिया हुआ है, जल्दी से इस गाड़ी को, इस कार्ट को कितने से मिनिमम एक्सलरेट करें, क्वेश्चन लिख लो, फाइंड मिनिमम एक्सलरेशन, मिनिमम हॉरिजॉन्टल एक्सलरेशन ऑफ कार्ट फॉर नो स्लिपिंग ऑफ ब्लॉक, फाइंड मिनिमम एक्सलरेशन, मिनिमम हॉरिजॉन्टल एक्सलरेशन ऑफ कार्ट, फाइंड मिनिमम हॉरिजॉन्टल एक्सलरेशन ऑफ कार्ट फॉर नो स्लिपिंग ऑफ ब्लॉक। ये देखो करके दिखाएं क्या, देखो मेरा मेरा हाथ में ऐसे हॉरिजॉन्टल हो रहा है तो अभी गिर नहीं रहा, देखना मैं अपने हाथ को एक्सेलरेट करा रहा हूं, देखो छोड़ दे रहा हूं, नहीं गिरा है क्योंकि ये गिरने नहीं दे रहा है, फ्रिक्शन मेरे हाथ और ब्लॉक के बीच में। जल्दी कम ऑन, डू इट फास्ट, फाइंड मिनिमम हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट फॉर नो स्लिपिंग ऑफ ब्लॉक, फाइंड मिनिमम हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट फॉर नो स्लीपिंग ऑफ ब्लॉक। जल्दी से कर लीजिए, आज का क्लास ओवर करते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया लेकिन हमें लग रहा है कि आपको मज़ा आता होगा, टाइम का पता नहीं चलता होगा क्योंकि फिजिक्स है ही ऐसा। एनीवे बच्चों का आंसर भी आ गया, चलिए जल्दी से करिए, बाकी लोग भी कम ऑन डू इट फास्ट, जल्दी। इमेजिन कर पा रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं कि यदि गाड़ी ऐसे ऐसे बहुत तेज ऐसे करें तो यहाँ पे पेज रख के देख सकते हो, नहीं पेज या कोई चीज़ ऐसे पेज रख लो, चाहे कोई किताब, बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कराना होगा नहीं तो गिर जाएगा सड़क के, तो हाँ थोड़ा इंक्लाइंड रहता ना तो और अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, तो अनलिमिटेड क्वेश्चन है, क्या क्या पढ़ा दूँगा आपको मैं, तो जल्दी से आप लोग करिए, टाइम इज़ ओवर, छोटा सा क्वेश्चन है, समझते हैं इसको ना, चलो। अच्छा हाँ, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इसको तीन तरीके से पूछा जा सकता है, फाइंड मिनिमम हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट फॉर नो स्लिपिंग ऑफ ब्लॉक, फाइंड मिनिमम हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ए ऑफ कार्ट फॉर नो रिलेटिव मोशन बिटवीन कार्ट एंड ब्लॉक, फाइंड मिनिमम हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ए ऑफ कार्ट सो दैट ब्लॉक इज इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट, मतलब ब्लॉक कार्ट के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहे, चाहे ब्लॉक न सरके, चाहे ब्लॉक और कार्ट के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो। सोच के देखिएगा, पूछने का तरीका भले ही अलग अलग हो, सेंटेंस अलग अलग है पर क्वेश्चन सेम है, एक तो ये पॉइंट है। दूसरा दूसरा करते हैं इसको, मानेंगे तभी तो, ये तो मैं बल्कि अपने से मान भी दिया हूं लेकिन सच ये है कि मानेंगे तभी तो आएगा, तो मान लेते हैं कि ए वही वाला है। अगला पॉइंट है, बात इक्विलिब्रियम टाइप की है, रिलेटिव इक्विलिब्रियम टाइप के, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। ये रहा नीचे एमजी, सभी जानते हैं, और ये देखो सरफेस इंटरेक्शन है, दिस इज नॉर्मल, आपको पता है, आप जानते हैं रियली में, ध्यान से सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो, यदि स्मूथ होता ना, यदि ये जो सरफेस है ये कार्ट का ये स्मूथ होता ना तो इसको एक्सेलरेट कितना भी करा लेते, यदि स्मूथ होता मतलब म्यू जीरो होता तो कुछ भी कितना भी करा लेते, जितना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन कराओगे तुम नॉर्मल बढ़ाओगे, क्या करोगे नॉर्मल बढ़ाओगे, और इसको बैलेंस करने वाला कोई नहीं है, नीचे जाना तय है, बता रहा हूं नीचे जाना तय है, ये समझना है, कुछ भी कर लो, हाँ रफ है तो अच्छा, क्यों तय है, क्योंकि
हॉरिजॉन्टल अलग होता है, वर्टिकल अलग होता है, 90 डिग्री पे एक्सिस कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो जितना भी एक्सेलरेट करोगे तुम नॉर्मल ही बढ़ाओगे, वर्टिकल में एमजी को बैलेंस करने वाला कोई नहीं है। और फ्रिक्शनल फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट है, हाँ, पर म्यू जीरो है तब कंप्लीट है, यदि म्यू है तो कंप्लीट नहीं है। अब बताओ ये इसी पर, इस सरफेस पर सरकने वाला है, एमजी सरकाने वाला है, फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगने वाला है, अब कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम है। अब कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम है, दिस इज कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम फॉर रफ सरफेस, ये समझना है। अगला पॉइंट आपको पता ही है, एक्सिस मानना है दो ठो, एक ठो एक्स मानना होता है, एक ठो वाई मानना होता है। अगला पॉइंट और भी पता है, अच्छा वाला बढ़िया वाला मान ही लिया, अगला पॉइंट आपको और भी पता है, रिजॉल्व करना होता है तो आढ़ा टेढ़ा फोर्स नहीं, रिजॉल्व की जरूरत नहीं है। अगला स्टेप आपको पता है, फ्रिक्शन के लिए नॉर्मल निकालना होता है, इक्वेशन लिखना होता है, नॉर्मल निकालना होता है, दोनों की बात है अभी। सो नॉर्मल मैं ये लिख रहा हूं, आपको पता भी है कि जितना कार्ट चल रहा होगा, इंटरेस्टिंग पॉइंट, जितना से जितने एक्सेलरेशन से कार्ट चल रहा होगा, इसको भी धक्का मार के ले ही जा रहा होगा, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन है एफ बराबर, एफ के नाम पर केवल एन है, एफ बराबर एम ए। पहली बार एक ऐसा नॉर्मल आ रहा है जहां पे एन एक्सेलरेट करा रहा है, ये देखिए, मतलब नॉर्मल एमजी उमजी नहीं रटना है, ठीक है, नॉर्मल कुछ भी हो सकता है, नॉर्मल यहाँ पे एमजी नहीं, नॉर्मल एम ए है। अगला स्टेप आपको पता, अच्छा हाँ, जब मैं ये देख रहा था तो मैं ये नहीं देखना चाह रहा था, मैं केवल ये देख रहा था, है ना। अगला स्टेप आपको ये भी पता है कि एफ मैक्सिमम क्या होता है, आपको पता है एफ मैक्सिमम हमेशा म्यू एन होता है, मतलब म्यू एम ए है, म्यू एम ए। अब आप हमको ये बताओ, आपको याद आ रहा है दो का कहा गया मिनिमम ए बताया जाए ना, मिनिमम मैक्सिमम पूछा गया है, तो हमारे पास दो तरीके हैं, सीधा या तो मैं इस लिमिटिंग फ्रिक्शन को सीधा यहाँ पे रख दूँ और बैलेंस कर दूँ वाई वाला और आंसर आ जाएगा, बढ़िया पॉइंट, इससे और क्लियर होगा, चेन वाला ये वाला पूरा साइंस ऐसा ही भरा है। लिमिटिंग को फ्रिक्शन की जगह रख के लिमिटिंग वैल्यू पाया जा सकता है किसी भी चीज़ का, थीटा का, म्यू का, ए का, वी का, एस का, आई करेंट का, चार्ज का, ईएमआई का, वोल्टेज का, पावर का, मोमेंटम का, मतलब मैं बता नहीं सकता किसका, सबका। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो सबको समझना चाहिए। दूसरा तरीका क्या है, अच्छा हाँ इसको कर लोगे, ये वाला वैल्यू यहां पर रखते ही बैलेंस करते ही रिजल्ट आ जाएगा, कर लेना, आ जाएगा जी बाई म्यू आएगा। दूसरा एक तरीका आपको मालूम ही है, क्या तरीका मालूम है, मैं बता देता हूं आपको, यदि ये इसको नहीं सरकना है, कहा गया है कि नहीं सरकना है, क्वेश्चन है, यदि इसको नहीं सरकना है तो फ्रिक्शन उतना ही डेवलप होगा जितना नीचे की तरफ लग रहा होगा, फ्रिक्शन उतना ही डेवलप होगा जितना सरकाने के लिए नीचे की तरफ लग रहा होगा। गुड, गॉट इट। नेक्स्ट, फ्रिक्शन की थ्योरी है, फ्रिक्शन की थ्योरी है, फ्रिक्शन की थ्योरी है, एफ इज ऑलवेज लेस दैन आर इक्वल टू एफ मैक्सिमम। हमेशा जो कंडीशन होता है न सरकना सरकना लिमिटिंग केस वाला, वो ऐसे कुछ होता है न सरकने वाला, और एफ मैक्सिमम ये होता है जनरल सी थ्योरी है, इसी में ले जा रखना होता है, तो रख लेता हूं तब मैं। एफ हमें मालूम है बैलेंस, एफ एम जी है, और एफ मैक्सिमम भी मालूम है, म्यू एम ए है, एम एम कैंसिल, सॉल्व करो, ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी बाई म्यू, मतलब
इस कार्ट को इतना एक्सेलरेट कराया जाए कि ये ना चले, उसका कंडीशन है। मतलब या तो एक्सेलरेशन जी बाई म्यू हो या जी बाई म्यू से ज्यादा हो, तो मिनिमम कितना हो? मिनिमम जी बाई म्यू हो, मतलब इससे जी बाई म्यू से कम हुआ, जी बाई म्यू से कम हुआ। हाँ खत्म हो गया भाई, बैटरी जीरो हो गया। चलो ठीक है, सो जी बाई म्यू से कम होगा, जी बाई म्यू से कम होगा तो सरकने ही लगेगा। और फिर वही बात करूंगा, बताओ मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो, मैक्सिमम तो भी सरक जाए तो आंसर जी बाई म्यू ही है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो कि सरक जाए, आंसर जी बाई म्यू। और मिनिमम एक्सेलरेशन कितना हो कि ना सरके, आंसर जी बाई म्यू। सोचो किस तरह की बातें हैं, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। गुड, समझ में आ रहा है आपको? तो क्या आपको नहीं लगा कि दो दो तरीके हैं? एक छोटा भी तरीका है कि भाई लिमिटिंग रख के, बैलेंस करके या चीजें करके जो भी सिचुएशन है, और मैक्सिमम मिनिमम पाया जाए सीधा, और ये सब न लगाया जाए, ये सब न लगाया जाए, ऐसे न सोचा जाए, ये सब न किया जाए। एक ये तरीका है, वो भी तरीका ठीक है। और दूसरा एक तरीका है कि फ्रिक्शन अलग से सोचा जाए, लिमिटिंग फ्रिक्शन अपना जो होता है वो तो होता ही है, और ले जाके बार बार इसी में रखा जाए हर क्वेश्चन के लिए, तो इनइक्वालिटी के फॉर्म में चीजें आ जाती हैं। तो चलिए, हमें लगता है कि आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, बहुत सीखने को मिला होगा, आपके ब्रेन को ट्रेनिंग मिली हुई होगी अच्छी सी, बजाय इसके कि एक चैप्टर की बात हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक चैप्टर छोड़ो, फ्रिक्शन ऑप्शन हो तो अब दो तीन क्लास में, और अब तो चार क्लास भी लेने लगा हूँ यार, है ना, तो चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन ट्रेनिंग ज़्यादा ज़रूरी है। और आपका एनालिसिस, आपका परसेप्शन, आपकी रेशनैलिटी, आपके लॉजिक्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बजाय इसके कि हम लोग फार्मूला रख लें, क्वेश्चन बना लें, बल्कि अप्रोच ज़्यादा मैटर करता है, डिटेलिंग ज़्यादा मैटर करता है किसी भी चीज़ की, ताकि आप ज़िंदगी में ज़्यादा बड़ा और यूनिक काम कर पाएँ, है ना, जिसके लिए आप आए हैं। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय, टेक केयर।